बढ़िया सब बोलिया चित्र पंद्रह फुलवरिया छह सोलह और एक जितनी तारीफ की जा चुका बिल्कुल कहीं मौका नहीं मिला थोड़े का किसी भी स्टेट का जवाब नहीं है ट्रॉफी की ओर आते थोड़े वर्ष और किसी एक पॉइंट के साथ चित्तौड़ पहुंचा सत्रह बहुत सारा विकास बना दिया यहाँ पे चित्तौड़ के लिए बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन चित्तौड़ सभी खेलों का उन्होंने जीत लिया था इस शतक के और शानदार बहुत शानदार यहाँ पे फुलवरिया के शानदार वापसी और फुलवरिया के फुलवरिया की इसी पॉइंट के साथ स्कोर बहुत अच्छा रहा फुलवरिया का और फुलवरिया से जीत लिया था फिर और शानदार जीत लिया यहाँ पे बहुत शानदार वापसी ओह हो लाचवा एक शानदार कितनी तारीफ की जा रही है कितनी तारीफ की जाए उतने कम है फुलवरिया के ऐसे दर्शक उम्मीद कर रहे हैं फुलवरिया की वापसी करेंगे क्योंकि ये सेट में वापसी करता है फुलवरिया के पास कुछ भी और मौका नहीं है करोड़ बड़ा का मौका यहाँ पे ओहो राजवा अच्छी वापसी यहाँ पे फुलवरिया के पास हो गए फुलवरिया तेरा लगातार पंद्रह से बढ़ता है पहुंच रही है कुछ ऐसे नए घर पे लगे कृष्ण पापा के पास नहीं है गोल्डन सर अगर मेरी आवाज आता है पहुंच रही है घर पे लगे कृष्ण और टाइम आउट के बाद मैच के वापसी दोस्तों के रोल देखने रोल फुलवरिया के लिए तो अपने पहला मैच गवा के बना दिया और दोस्तों मैच में सुपारी और कमीशन बन गया लेकिन शानदार तरीके से फुलवरिया के लिए वापसी में लग गया और लगातार नौ के बाद लगातार उसका पॉइंट बढ़ा दिया और पंद्रह और अठारह महाराणा प्रताप से जुड़ा चित्तौड़ गांव के नाम
बिल्कुल तत्पर बातचीत हो गए, हर आक्रमण के महत्वपूर्ण जवाब दे रहे थे। सत्रह का फरवरिया ईद मैच जब हो रहा है, निश्चित रूप से कार्यक्रम के एक एक साझा कांटा के मुकाबला जाना में फूल के होने के लोग कांटा मारे और साझा के शॉट मारे नेट आई थी 1918 1918 तो ईद वांग बहुत की नहीं है और फिर चित्तौर का मिला रिफाइन चित्तौर मतलब बीच में भूला गया कारक है चित्तौर के लिए बहुत सारा मौका है। अगर चित्तौर है जो जोश में लगातार होश थोड़ा बहुत असर कमा देते हैं, ऐसानी आ जाइए कि कश्तियां अक्सर वहीं पे डूबती हैं जहां पे पानी कम होता है। इक्कीस मिनट चित्तौर के साथ दी गई और फिर चूके लगातार गेंद की ऊंचाई को भाग नहीं पाए, तार में नहीं बैठा उनके दम में और गेंद की ऊंचाई है, नतीजा एक पॉइंट पर गंवाना पड़ा। फुलरिया बीच में पहुंचा, फुलरिया को हर हाल में यह मैच जीतना होगा, हर हाल में अगला मैच खेलना है तो और फिर भाई हम उत्साहित हो गए बराबर स्कोर पहुंचा बराबरी पर, दर्शकों का बल लेगी तालियां तालियां कीजिए फुलरिया के खिलाफ आप प्रदर्शन करिए शानदार बेटा और फिर एक बार चित्तौर पिछड़ा गेंद हाथ से फिसलती हुई बराबरी मछली ने अपने पिछले लेन मछुआरे के हाथ से कोई ना दिखा सके जी फिसल जाएंगे चित्तौर का हाथ है एक एक पाई खूबसूरत खूबसूरत। अच्छा प्लेसिंग वहां पर पूरी तत्परता बहुत खूबसूरत है, उठाओ गई हल्का प्लेसिंग की कोशिश वहां पर मौजूद है और मौका ना शायद नेट हुआ और पाई गई चित्तौर के नेट पॉइंट अलग चित्तौर और 22 22 23 पॉइंट। अगर चित्तौर ठीक नहीं है तो उसके लिए क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का मुकाबला उसकी राह में प्रशस्त हो जाएगी, फुलवरिया अगर जीता है तो नेट पॉइंट खेला जाएगा उसकी संभावना है उसी देखिए बनी रह सकती है। चित्तौर के साथ ये दुकान उठा हुआ पूरे गांव में धूम धूम धुआं धुआं और डिसीजन है कोई नेट शायद होने के लोग हैं अपील कर रहे हैं आप लोगों को बताया था कि बाइक फिजिकल इस्तेमाल फिजिकल निर्णय का सम्मान हर हाल में किया जाए। सर ये कृपा वहां पर कोशिश अच्छी लगी बहुत जोरदार काफी देर से गेंद हवा में निकली हुई अटैक लाइन पर फेंकी गई गेंद देखते हैं क्या होता है और इस तरीके से आखिरी क्षणों में अपील करते हुए देखो अपील करते हुए पूरे प्रयास देखते हुए युवती से निवेदन है कि ज्यादा आपको चाहिए ना हो रेफरी का फैसला या आपका फैसला होगा मैं बताना चाहूंगा कि इस मैच के समाप्ति के बाद दूसरा मैच खेला जाने वाला है वो सेमीफाइनल मैच है एक तारीख और एक दूसरी टीम खेलेगी आप लोग की सुनान से यहाँ पे रुके रहेंगे थोड़ा सा देख होगा और
सेमीफाइनल में आने को आप देखेंगे। महाराणा सैन आप समस्त दर्शकों का, समस्त श्रोताओं का, समस्त खेल प्रेमियों का और पटना गांव की समस्त जनता का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आप जानते हैं आपके गांव पटना में और बाहुबोला तिरंगे का नाम है और बाहुबोला के मंदिर के सामने वाले ग्राउंड में वही बड़ी टूर्नामेंट प्रसिद्ध खेला जा रहा है। ये दूसरा मैच फुलवरिया फर्स्ट है जिसका लास्ट पॉइंट और इस तरीके से चित्रा खेल गई। अब देखते हैं कि तीसरा मैच खेला जाएगा या नहीं। अब मैच समाप्त हुआ, अगले राउंड में चित्रा के लिए अपने दमदार प्रदर्शन से पहुंच गई और तब तक के लिए आप सभी विजय होंगे। आप सबसे यही प्रार्थना